देने वाली है। तो उसमें ये बजट आएगा, सबसे पहले तो आपको बजट का है वो अर्थ पता होना चाहिए कि बजट क्या है। बजट आपका क्या होता है, जो आपके पास आय है, आय और व्यय का विस्तृत जो ब्यौरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। तो इसके अंदर दो बातें हैं, एक तो आय आपकी क्या है और एक उसमें से आपने व्यय किस चीज का किया है। इन दोनों का जो हम लिखित रूप में अपना कोई भी तैयार करते हैं अपना डॉक्यूमेंट, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। बजट है वो हमारे तीन प्रकार के होते हैं, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तीन प्रकार के हैं, पहला तो आपका क्या कहलाता है, बचत का बजट कहलाता है, बचत का बजट। दूसरा आता है संतुलित बजट, संतुलित बजट। और तीसरा आपका क्या कहलाता है, घाटे का बजट। अब आपके पास जो प्रायोगिक परीक्षा के अंदर प्रश्न आपको मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा कि आपकी जो आय है, आपके एक परिवार की आय है वो मान लो 10,000 रुपए है, आपको एक बचत का बजट है वो तैयार करना है, ये आपको उसके अंदर देखना है। तो इस आय के आधार पर आपको एक मासिक बजट है वो आपको तैयार करना है। तो इससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये जो बजट का सिद्धांत है वो किसने दिया है। तो ये बजट का सिद्धांत है वो एंजिन का नियम कहलाता है। एंजिन आपके एक अर्थशास्त्री है जिनका पूरा नाम अर्नेस्ट एंजिन है, इन्होंने इस बजट की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। इन्होंने इस अवधारणा के अंदर ये बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति की जो आय होती है उस आय को वो अपने पूरे एक माह के अंदर किस किस वस्तु के ऊपर, किन किन चीजों के उपभोग के ऊपर वो व्यय करता है, उसका हम जो लेखा जोखा रखते हैं उसी को ही बजट कहते हैं। और इनके बजट के अंदर कुछ कमियां रहती हैं, इन कमियों का यहाँ पर जिक्र किया जाता है और पूछा भी जाता है कि इनके बजट के अंदर कौन कौन सी कमी रही है। तो इनके बजट के अंदर कमी ये रही है कि एक तो इन्होंने बचत को कोई भी प्रावधान नहीं माना है, इन्होंने अपने बजट के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया को स्पष्ट नहीं किया है, इन्होंने बजट दिखाई नहीं है। मतलब इन्होंने बताया है कि जितनी हम हमारे पास आय होगी उतना का उतना हम पूरा का पूरा व्यय कर देंगे, ये इन्होंने अपने बजट के अंदर बताया है। तो इन्होंने भविष्य की जो भी हमारी आवश्यकता आने वाली होती है उन आवश्यकताओं को उन्होंने अपने बजट के अंदर शामिल नहीं किया है। तो इनके बजट की है वो एक मुख्य कमी ये रही थी। और दूसरी इनकी कमी ये थी कि चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, इन दोनों ने ही क्या किया है, जो शिक्षा के ऊपर होने वाला व्यय है उसको तो जैसे जैसे आय बढ़ती है वो आय क्या होगी उसमें उनका प्रतिशत है वो बढ़ता हुआ बताया है, लेकिन जो आपके वस्त्र है और आपका मकान है इन दोनों के ऊपर इन्होंने व्यय है वो समान किया है, चाहे वो कम आय वाले व्यक्ति हो चाहे वो अधिक आय वाले व्यक्ति हो, इन्होंने अपने बजट के अंदर दोनों चीजों के ऊपर है वो व्यय का प्रतिशत है एक बराबर दिखाया है इन दोनों क्षेत्रों के ऊपर। तो ये इनके सिद्धांत की है वो मुख्य रूप से कमी है उनको हमने इसके अंतर्गत देखा है। तो ये इसकी बजट के बारे में मैंने कुछ मुख्य बातें बताई हैं, एक आपको परिभाषा पता होनी चाहिए और फिर आपको ये बजट के तीनों प्रकार हैं ये आपको पता होना चाहिए, फिर ये जो बजट का सिद्धांत है वो किसने दिया है ये आपसे पूछा जा सकता है, इनके बजट के सिद्धांत की जो आलोचना की गई है वो किस किस आधार पे की गई है, ये बातें आपके पास मुख्य रूप से होनी चाहिए। अब हमारा जो मुख्य कार्य है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाने वाला है कि इस बजट को हमें तैयार कैसे करना है, तो ये जो तैयार करने की प्रोसेस है ये हमें पहले देखनी है। तो यहाँ से मैं ये साफ कर रही हूँ, अब हमें इस बजट के लिए किस तरीके से एक प्रोसेस तैयार करनी है
होना चाहिए। पहला आप बोलते हो ना रोटी कपड़ा और मकान, भविष्य की तीन प्राथमिक आवश्यकताएं होती है। तो सबसे पहला जो हमारा वर्क कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, भोजन पे कहलाएगी। क्योंकि जितना भी हम अपना व्यय कर रहे हैं सबसे मुख्य हिस्सा क्या है, हमारा भोजन है। भोजन पे व्यय करेंगे, फिर किस पे करेंगे, वस्त्र पे करेंगे, तीसरा हम किस पे करेंगे, मकान में करेंगे, फिर हमारा क्या आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, स्वास्थ्य मनोरंजन आ जाएगा, और इसके साथ हमारा एक ईंधन के रूप में व्यय आ जाएगा। एक व्यय को हम जो भी हमारे एक्स्ट्रा व्यय होंगे उनको हम अन्य व्यय के नाम से रख देंगे, और लास्ट हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा, बचत रहेगा। ये बचत हमारे पास होनी जरूरी है। लास्ट में हमारे पास टोटल करेंगे, यहाँ पे टोटल जो हम व्यय का प्रतिशत लिखेंगे वहां पर इसका टोटल होना चाहिए। सबसे पहले भोजन के ऊपर व्यय है वो 50% कम से कम अपनी इनकम का, क्योंकि 10,000 रुपए इनकम है वो आपकी निम्न आय स्तर वाले परिवार की मानी जाती है। तो वो अपनी आय का कम से कम क्या करेंगे, 50% भाग व्यय है वो आपका इसमें करेंगे। दूसरा हम वस्त्र के ऊपर 10% लिख देते हैं, मकान के ऊपर क्या करेंगे, 8% व्यय कर देंगे, शिक्षा के ऊपर है वो भी हम 8% व्यय कर देंगे, और स्वास्थ्य मनोरंजन पे है वो हम 4% रखेंगे, और ईंधन के ऊपर आपका 10% व्यय कर देते हैं। अब हमें ध्यान रखना है कि इनका सबका टोटल है वो आपका यहाँ पे 100 आना जरूरी है, क्योंकि व्यय प्रतिशत क्या होगा आपका 100 होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 और 90। अब आपके पास 10 बचे हैं तो 5% हम अन्य व्यय पे कर देते हैं और 5% की हम क्या कर देते हैं, बचत कर देते हैं। अब आपको ये व्यय का प्रतिशत है ये आपको निकालना आना चाहिए। अब ये कैसे निकालते हैं आप लोगों को मैं एक साइड में बताती हूँ। इनकम कितनी है आपकी, 10,000 रुपया है, और व्यय प्रतिशत कितना कर रहे हो, 10,000 का आप कितना कर रहे हो, 50% व्यय कर रहे हो। तो इस तरीके से आप इसको लिखोगे, और अब इनको आप सोल्व करोगे। यहाँ से काटा हमने कितना बचा है आपका, 5,000 रुपए बचा। तो इस तरीके से आपका ये 5,000 है वो यहाँ पे निकल आएगा, रुपए में आ जाएगा कि भोजन पर वो हर मासिक में कितना कर रहा है, 5,000 रुपए व्यय कर रहा है। अब वस्त्र के ऊपर ये 10% आप इसी तरीके से निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1,000 रुपए आ जाएगा, और 8% निकालोगे तो आपका ये 800 आएगा, और इसी तरीके से ये भी आपका क्या हो जाएगा, 800 होगा, ये भी आपका 400 होगा, और 10% व्यय के अंदर क्या आ जाएगा, आपका 100 रुपए आएगा, और यहाँ पर आपका ये 50-50 रुपए आएगा। अब इनका हम टोटल करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, आपका पूरा 10,000 रुपए यहाँ पर आपकी आय है वो आपने पूरे महीने में किस किस चीज के ऊपर कितना व्यय किया है ये आपका निकल आएगा। तो इस तरीके से हमने ये सारी है मद है आपको 10,000 मैंने इसलिए रखी है, ये इनकम आपको निकालने में क्या होगी, सुविधा होगी। तो अब आपका जो प्रैक्टिकल होगा तो जितने भी है सबको आपको 10,000 इनकम मिल जाएगी, हर बच्चे की इनकम जो वो चेंज करके दी जाएगी, और आपको एक बजट है वो तैयार करना पड़ेगा। अब इस बजट को आपको एक ग्राफ के माध्यम से भी दर्शाना पड़ेगा। इस तरीके से आप एक ग्राफ के लिए लाइनें खींचोगे और इधर क्या करते हैं एक्स और इधर वाई और यहाँ पे जीरो, यहाँ नीचे आप क्या लिखोगे, मध लिखोगे, भोजन की मध, भोजन की मध, और इधर आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या 1,000 है, ठीक है। अब आपको ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, इधर आप